तो चलिए सुबह की राम राम में सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। 3 दिन का सर्वे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूरा हो गया है और अब आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज सेशन कोर्ट के सामने वीडियोग्राफी की वो चिप सौंप दी जाएगी और साथ ही साथ रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसके बाद कोर्ट आगे क्या प्रक्रिया बताता है, क्या फैसला सुनाता है, ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जहां एक और सियासत जारी है, वहीं आज जो है अधिवक्ताओं को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। मुस्लिम अधिवक्ता और साथ ही साथ हिंदू अधिवक्ता और साथ ही साथ वीडियोग्राफर, जो वीडियोग्राफी की गई थी वो चिप जो है कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और इसके साथ ही आगे का फैसला भी सुनाया जाएगा कि आगे अब इस पूरे मामले में क्या होता है। जिस तरीके से कहा गया कि जहां वजू किया जाता है वहां शिवलिंग निकली है, तहखाने खोले गए तो वहां पर भी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई तमाम चीजें मिली हैं, लिहाजा अब ये तमाम चीजें जो है कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर वाराणसी से ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर 3 दिनों का सर्वे खत्म हो चुका है। सर्वे खत्म होने के बाद सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि रिपोर्ट पेश की जाती है तो आगे अब क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है अब कोर्ट अपनी बात रखता है, अपने फैसले को सुनाता है, आगे क्या किया जाएगा इस रिपोर्ट के बाद। क्योंकि जिस तरीके से खुलासे किए गए कि जहां वजू किया जाता है उस तालाब से शिवलिंग निकला है, कल सोहनलाल निकले बाहर तो कहा कि बाबा मिल गए, वहीं हिंदू अधिवक्ताओं ने भी जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा, अब ये देखना है कि कल आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी